बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह आप लोग अपने फेसबुक न्यू पेज एक्सपीरियंस में एडमन को ऐड करें। तो न्यू पेज एक्सपीरियंस में एडमन को ऐड करना क्लासिक पेज से अलग है। अगर आप क्लासिक पेज में एडमन को ऐड करता है तो इसके लिए आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को यूज़ करें। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस तरह फेसबुक न्यू पेज एक्सपीरियंस जो प्रोफाइल पेज होता है इसमें आप लोग किस तरह एडमन को ऐड करें और किस तरह आप लोग एडमन को रिमूव करें। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। तो इधर मैंने फेसबुक लाइट एप्लीकेशन को ओपन किया। तो जैसा कि मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो साइड के थ्री लाइन वाले ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और आप लोगों को अपना पेजेस दिखाऊंगा जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है। तो ये देखो मेरे पास ये तीन न्यू पेज एक्सपीरियंस है। तो मैंने क्रिकेट हाईलाइट जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है इसको मैंने ओपन किया। ऊपर है स्विच प्रोफाइल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं एज अ प्रोफाइल ओपन करूँगा। तो देखो मैंने इसको इधर से स्विच ऑन कर दिया। जैसे कि आप लोग अपने फेसबुक न्यू पेज एक्सपीरियंस को इधर स्विच ऑन करेंगे, ये देखो स्विच टू क्रिकेट हाईलाइट। तो फिर आप लोग साइड के थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर नीचे आ जाए, इधर है सेटिंग, ये भी मेरा पेज है, प्रोफाइल नहीं है। तो मैंने इधर सेटिंग को ओपन किया। सेटिंग को ओपन करने के बाद इधर है पेज सेटिंग, तो पेज सेटिंग को आप लोग ओपन करें। फिर आप लोग नीचे आ जाए, इधर है पेज एक्सेस, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो इधर है पेज एक्सेस, इसको आप लोग ओपन करें। तो इधर मेरे पास ये चार एडमन है। इससे अगर आप अभी किसी एडमन को रिमूव करना चाहते हैं तो साइड के थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इधर से आप लोग इसको रिमूव करें। जैसा कि आप थ्री डॉट पर क्लिक करें तो फिर नीचे होता है रिमूव फ्रॉम पेज। ये देखो जैसे कि आप लोग रिमूव फ्रॉम पेज पर क्लिक करें तो इसके बाद आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट के पासवर्ड को एंटर करें तो ये आपके पेज से भी रिमूव हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि आप न्यू एडमन को किस तरह ऐड करें। तो ऊपर है ऐड न्यू, आप लोग सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करें, फिर नीचे है नेक्स्ट, तो आप सिंपल इसको नेक्स्ट करें। जब आप नेक्स्ट करें तो ऊपर है सर्च बाई नेम और ई मेल एड्रेस, तो मैं नेम से सर्च करूँगा। अगर आप ई मेल एड्रेस से सर्च करें तो आपका मर्जी है। तो आप इस तरह अपने एडमन का नेम ऐड करें, तो मैंने इरफानुद्दीन ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ऊपर पांच ऑप्शन है, इनसाइट्स, एड्स, कम्युनिटी एक्टिविटी, मैसेजेस एंड एक है कंटेंट। तो इसके कंट्रोल में अभी यही पांच ऑप्शन है जो जिसमें इनसाइट्स है, कंटेंट है, कम्युनिटी है, एड्स है और इसके साथ साथ कंटेंट है। अगर आप इसको फुल कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो एडमिन भी ऐड करें, पेज डिलीट भी करें, सब कुछ करें, तो नीचे है एलो दिस पर्सन टू हैव आल्सो फुल कंट्रोल, इसको आप लोग एलो करें। फिर इसको गिव एक्सेस है नीचे, तो गिव एक्सेस पर क्लिक करके इसके बाद आप लोग अपने पासवर्ड को एंटर करें। अभी मैं अपने फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है इसको ऐड करूंगा और फिर इसके बाद नीचे है कंफर्म, तो मैं सिंपली कंफर्म पर क्लिक करूंगा। तो मैंने पासवर्ड को इधर ऐड कर दिया। पासवर्ड को ऐड करने के बाद मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया। ये देखो इरफानुद्दीन अभी पेंडिंग में है, इसको नोटिफिकेशन फेसबुक की तरफ से गया है कि आप इस जो है ना एडमन को आप एक्सेप्ट करें। जब आप इसको एक्सेप्ट करें तो आपके पेज में ही एडमन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपने फेसबुक न्यू पेज एक्सपीरियंस में एडमन को ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।